भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 9 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है। भारत में हो रही ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को यह सीरीज अपने नाम करनी होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सीरीज के लिए पूरी तैयारी के साथ भारत आ रही है। भारतीय पिचों को देखते हुए उन्होंने अपने स्क्वाड में 4 स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए कंगारू टीम की चुनौती आसान नहीं होगी। इसी बीच टीम इंडिया के स्टार टेस्ट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा है। आपको बता दें कि पुजारा इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। सौराष्ट्र की टीम के लिए खेलने वाले पुजारा 24 जनवरी को रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल सकेंगे। चेतेश्वर पुजारा के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इसी कड़ी में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट भी मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्हें भी इसी कारण से टीम से बाहर होना पड़ा है। खिलाड़ियों के फिटनेस को बनाए रखने और इंजरी से बचने के लिए कई बार ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया का अहम हिस्सा है। उनकी मौजूदगी में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर पिछले कई सालों से टेस्ट क्रिकेट पर राज किया है। पुजारा ने भारत को अहम मौकों पर मैच जितवाए हैं। ऐसे उनके फिटनेस को लेकर बीसीसीआई कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पुजारा के टेस्ट रिकॉर्ड पर एक नजर डाले तो उन्होंने भारत के लिए 98 टेस्ट मैचों में 44.39 के औसत से 7014 रन बनाए हैं।